आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार विद्यार्थियों, प्रश्न क्या है कि x बटे में y यह एक परिमेय संख्या है और अगर हम x की कीमत 1 ले लें तो क्या ये जो परिमेय संख्या है वो होगा? तो हमें इसे बताना है हाँ या ना में जवाब देकर। तो पहले हम परिमेय संख्या को समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या व्याख्यित किस तरीके से होती है। तो कभी भी परिमेय संख्या को जब हम व्याख्यित करते हैं तो परिमेय संख्या का सबसे प्रथम चीज है कि उसका स्वरूप। तो परिमेय संख्या को हमेशा अगर हम x और y के स्वरूप में बताएं तो x बटे में y के स्वरूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन x और y को लेकर यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। जैसे प्रथम शर्त हम बताएं तो x और y ये दोनों किस तरह के होने चाहिए? तो x और y दोनों एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या में x और y दोनों किस तरह की संख्या हम ले सकते हैं? तो पूर्णांक संख्या ही ले सकते हैं। तो दोनों पूर्णांक x और y दोनों पूर्णांक संख्या हैं। और दूसरी शर्त की हम बात करें तो दूसरी शर्त इसमें ये आती है क्योंकि दोनों पूर्णांक संख्या है तो इसमें y कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि y जब भी शून्य के बराबर होगा, हमें पता है किसी भी संख्या को जब हम शून्य से विभाजित करते हैं तो वह अव्याख्यित संख्या होती है। इसलिए परिमेय संख्या होने के लिए ये जो दो शर्तें हैं ये शर्तों का पालन होना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं अपने जो हमारे प्रश्न में दिया गया। हमें x बटे में y में कहा गया है कि यदि हम x की कीमत 1 ले लें, x की कीमत 1, हमें पता है 1 यह एक पूर्णांक संख्या है। 1 क्या है? 1 यह एक पूर्णांक संख्या है। और हमें अर्थात यह एक पूर्णांक संख्या है जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसका समाधान करती है। तो जो हमें ये संख्या परिवर्तित होकर मिलेगी वो क्या मिलेगी? x की जगह हम अगर 1 रख दें तो x की जगह अगर हम 1 रख दें तो y हमें ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन हम अगर हम प्रश्न को पढ़ें तो हमें कहा x और y ये एक परिमेय संख्या है पूछा गया है, तो y हमें y पर निर्भर करेगा। तो अगर y की कीमत अगर हम 0 ना लें, उसके अलावा कोई भी संख्या लें, तो हमें पता जो प्राप्त संख्या होगी वह एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ x बराबर 1 पे कहा गया है, अर्थात हमें बाकी चीजें क्या परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार लेनी है। अर्थात यहाँ पे y 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, हमें ये लेके चलना है। अर्थात हमें जब x बराबर 1 पे पूछा जाए कि यह परिमेय संख्या है तो हमारा इसके लिए उत्तर होगा हाँ। क्यों यह परिमेय संख्या है? क्योंकि यह परिमेय संख्या की परिभाषा को समाधान करता है। और हमने देखा ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे कि हम y की कीमत अलग, जैसे कि 1/1, 1/2, तो ये सारे ऐसे अनंत उदाहरण दिए जा सकते हैं जो इस संख्या को परिमेय संख्या बताते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।